हल्द्वानी में हथेली पर जान, उम्र दराज आशियानों पर नहीं है प्रशासन का ध्यान। पलक झपकते ही हो सकती हैं कई हस्ती खेलती जिंदगियां वीरान। पी भी भरभराकर गिर सकते हैं सालों पुराने मकान। मानसून दे चुका है दस्तक, मौत की दावत के बीच प्रशासन बना अनजान। उत्तराखंड में बारिश की बूंदों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ये बात हर कोई जानता है कि पहाड़ पर बारिश की बूंदें सिर्फ पानी की लहरें ही नहीं लेकर आती, बल्कि अपने साथ वो तबाही भी लेकर आती हैं, जिसमें सब कुछ समा जाता है। खासकर ऐसे मकानों के लिए ये बारिश काल बनकर आती है। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। एक नहीं, कई घर ऐसे हैं जो सालों पुराने हो चुके हैं। जर्जर हालत में जान हथेली पर लेकर इन मकानों में जिंदगी का सफर बदस्तूर जारी है। और प्रशासन आंखें बंद किए बड़ी अनहोनी की आहट को अनदेखा कर रहा है। हल्द्वानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में दरक चुके इन घरों की दीवारें कभी भी भरभराकर गिर सकती हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके ना तो इन घरों में रहने वाले लोगों को इस बात की खबर है, ना ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। मौत को दावत देते इन घरों में कई परिवार रहते हैं, कई दुकानें चलती हैं। ये घर खंडहर हो चुके हैं, जो कभी भी ताश के पत्ते की तरह बिखर कर जमींदोज हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन की तरफ से इन घरों में रहने वाले लोगों को चेतावनी ना दी गई हो। जिला प्रशासन की तरफ से भवन संचालकों को घरों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जल्द ही घरों को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन खुद ठोस एक्शन लेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सालों से इन घरों में रहते आए हैं, जिनकी रोजी रोटी इन इमारतों की छतों के नीचे चलती है, वो इतनी आसानी से ये जगह छोड़कर भला कैसे चले जाएं? तो क्या प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में बैठा है? क्या सिर्फ नोटिस देने भर से आने वाली मुसीबत को टाला जा सकता है? इसे लेकर अधिकारियों का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, इस संदर्भ में नगर निगम द्वारा पूर्व में जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अपने जो हमारे सहायक अभियंता को निर्देशित किया है कि आप इसका सर्वे करके दोबारा से अपडेटेड लिस्ट बनाएं और जो भी भवन जर्जर हैं उनको खाली करने का और हटाने का नोटिस संबंधित भवन मालिक को दिया जाए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि जो भी लोग ऐसे भवनों में रह रहे हैं, वो उन भवनों को आगामी वर्षा काल के दृष्टिगत उसमें ना रहें, उसको खाली कर दें और वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर मूव कर जाएं और ऐसे भवनों को खुद ही तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा। तो सुना आपने, जिला प्रशासन की तरफ से सभी को नोटिस दिया जा चुका है, घरों को जल्द खाली करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी घर खाली नहीं किया गया है। इन घरों में सैकड़ों जिंदगियां बसती हैं। ऐसे में मानसून आने के बाद अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस लापरवाही का ठीकरा किसके सिर फूटेगा? ये भवन इतना जर्जर हो चुका है कि इसके आसपास खड़े होने में भी लोगों को डर लगता है। लेकिन कई लोग इन भवनों में कब्जा जमाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कई ऐसे भी परिवार और दुकानदार हैं जिनका इन भवनों को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए भी लोग इन्हें खाली करने में कतरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन को इसे लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। किसी आफत से पहले ही प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि तबाही आने से पहले खतरे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।